किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? AIB हो गया, ये सेंसर बोर्ड इश्यूज हो गया, पहले AIB से शुरुआत करेंगे। हाँ जी, क्या तो कर रहे थे कुछ इस तरह का जो बवाल जो हुआ? हाँ, मैं जानता था कि कुछ लोग हिल जाएंगे, मगर मैंने हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बवाल मच जाएगा। कोई भी फिल्म हो, कोई भी टीवी शो हो, कोई भी कॉमेडी शो हो, कई लोगों को बहुत पसंद आता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता। ठीक है, जिन लोगों को पसंद आता है वो देखते हैं, जिन लोगों को पसंद नहीं आता वो नहीं देखते, उनकी चॉइस है। अभी ये निर्भया रेप के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री आई है, तो लोग कह रहे हैं कि बुरी बात है, वो कुछ सोच के बनाया है और बोला है कि एक रेपिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप उसे समझेंगे तो समाज में चेंजेस लाने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसको आना चाहिए था कि नहीं, ये भी रोज़ के बारे में मैं कहूँगा कि यार मजाक है, वो जोक्स हैं और आपस में लोग हंस रहे हैं, इसमें आपको ऐसा क्या बुरा लग गया कि आपने उन लोगों पे भी केस ठोक दिया जो ऑडियंस में बैठ के हंस रहे थे, और ऑडियंस में तो 4000 लोग थे, आपने उनमें से किसी पे तो केस नहीं ठोका, आपने सिर्फ दो ऐसे फीमेल्स पे को केस पे केस किया जो बॉलीवुड से हैं, तो ऑब्वियसली इसका कुछ एक अलग ही कुछ चल रहा है। ये कोई ऑफेंसिव उतना है नहीं, और इंडिया का तो नेशनल हॉबी है, पास टाइम है बुरा मानना, यू नो, हर चीज़ का बुरा मान जाते हैं वो, और उनको ये है कि हम डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं जहाँ हर एक को अपनी बात रखने का हक हो, हमें भी अपनी बात रखने का हक हो, लेकिन हमें कोई ऐसी बात ना करे जो हमें बुरा लगे, ये नहीं हो सकता, ये कहाँ की बात है यार। और जिनको बुरा लग रहा है, जो केस ठुक रहे हैं, जो लोग इस बारे में बोल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से भी, उनका मतलब ही नहीं है कुछ कहने का, मुझे ऐसा लगता है। पसंद आया हंसो, नहीं पसंद आया मत देखो, क्योंकि ये टेलीविजन पे नहीं है, यूट्यूब पे आप खुद जाते हैं, आपको क्लिक करना पड़ता है, या आपने चूज़ किया देखना, उसमें सारे वार्निंग्स दिए हुए हैं, अगर वो वार्निंग्स देखने के बावजूद आपने देखा और सुनने के बावजूद आपने देखा और आपको इतना बुरा लग गया, तो गलती आपकी, आपको समझदार होना चाहिए यार, आप में अकल कहाँ है आपकी।